कार्मिक बोर्ड के अमले और नर्स के सम्मेलन कक्ष में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि विद्यमान नीति के स्थान पर नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने द्वीप में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है, लेकिन युवाओं के बीच शराबखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और नागरिकों के व्यापक हित में शराब की खपत को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उपराज्यपाल ने खुलासा किया कि नई नीति के मुताबिक शराब की बोतलों की खरीद की मात्रा में 50% की कटौती की गई है। एक व्यक्ति एक समय पर 750 मिलीलीटर वाली शराब की 2 बोतल ही खरीद सकता है, जबकि पहले एक व्यक्ति 4 बोतल की खरीद कर सकता था। उन्होंने कहा कि अनेकों की शराब की दुकान या वाइन शॉप से शराब के दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों में शराब के दरों के समान दामों पर यहाँ शराब उपलब्ध होगी। चूंकि तथा आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी के द्वारा विद्यमान दरों में अनुमानित 20% से 25% तक की वृद्धि की जाएगी। नई चुनबे और आबकारी दरों में भी इसके मुताबिक बढ़ोतरी होगी। उपराज्यपाल ने आगे ये घोषणा की कि नई नीति के मुताबिक बार और शराबखानों के समय में फेरबदल भी किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि शराब की खपत को रोकने के लिए कई धार्मिक दिवसों पर सभी अवकाशों में मद्य निषेध दिवस भी घोषित किया जाएगा।